वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो लास्ट वीडियो के इतने रिस्पॉन्सेस और कमेंट्स देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं काफी मोटिवेट भी हुई टू फिल्म मोर एंड व्लॉग मोर। सो सबसे पहले आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। एंड इसी के साथ मैं अपने आप को चैलेंज कर रही हूँ बिकॉज हफ्ते के 5 दिन मैं ऑफिस जाती हूँ, रोज विदाउट फेल शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ एंड थोड़ा बहुत घर भी संभाल लेती हूँ। सो इसी के साथ इट इज गोइंग टू बी क्वाइट चैलेंजिंग बट आई विल डू इट। सो अब से हफ्ते में एक व्लॉग जरूर आएगा एंड इसी के साथ आज का दिन शुरू करते हैं। इट इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आपको याद है तो मैंने रिसेंटली पूछा था टू डिसाइड अ मेन्यू फॉर मी जिसपे होगा ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर एंड ईट एज पर योर चॉइस एंड या विद दैट लेट्स स्टार्ट द डे। सो सारा रिस्पॉन्सेस देखने के बाद मुझे लग रहा है ब्रेकफास्ट पे मूंग डोसा विद कोकोनट चटनी, लंच पे बटर पनीर विद नॉर्मल पराठा और डिनर पे चिकन रैप विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल ट्राई करते हैं बिकॉज ये सारा मेरे पास है। ऊपर से मार्केट भी अभी नहीं जा सकती हूँ, बहुत ज्यादा धूप है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट जिसपे मैं बनाऊंगी मूंग डोसा और कोकोनट चटनी। सो या लेट्स गो। सो मूंग दाल के डोसा के लिए पहले मैंने मूंग दाल ले ली और उसको 1 घंटे तक पानी पे भिगो के रखा, फिर सोख दाल को मिर्ची और अदरक के साथ ग्राइंड कर लिया, थोड़ा पानी भी डाला था, पानी ज्यादा नहीं डालना है वरना बैटर खराब हो जाएगा और फिर हमारा डोसा अच्छा नहीं बनेगा। एंड वंस द बैटर वॉज रेडी मैंने इस पे मसाले ऐड कर दी। मसाले में ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया, बस नमक हल्दी और मिर्ची पाउडर, इनको अच्छे से मिलाया और मेरा बैटर था रेडी और इसका कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट था, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। देन कढ़ाई पे मैंने बैटर डाल के इसको स्प्रेड कर ली। आप चाहो तो थोड़ा घी लगा सकते हो बट मैंने कुछ भी नहीं लिया था, लेट इट कुक। अब जब तक ये डोसा बन रहा है मैं अपने लिए चटनी बना लेती हूँ। तो चटनी के लिए मैंने ले लिया है रोस्टेड पीनट्स, कोकोनट पाउडर और सॉल्ट। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। वैसे तो चटनी पे तड़का लगता है बट आई लव इट विदाउट तड़का। एंड टाडा माय ब्रेकफास्ट इज रेडी। अब बस डोसा बनाऊंगी एंड मस्त गर्मा गर्म खाऊंगी। चलो इसी के साथ ब्रेकफास्ट तो हो गया। बहुत ही टेस्टी था मूंग दाल का डोसा बट बहुत हैवी भी है, तो अगर आप ट्राई कर रहे यू कैन ट्राई इट फॉर लंच एज वेल। बहुत ही हैवी रहता है और बहुत ही टेस्टी। मैं 2 खाकर आई वाज लाइक डन, आई एम डन। सो अब करते हैं लंच की प्रिपरेशन क्योंकि 2 घंटा तो आराम से लग जाएगा। मुझे बनाना है बटर पनीर और पराठा एज पर द रिक्वेस्ट और बीच बीच में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का काम भी कर लूंगी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने पहले तेल पर खड़े मसाला का छौक लगाया, देन सारा कुछ एक साथ ही ऐड कर दिए। पहले मैंने डाला था सूखी मिर्च, फिर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर जो बिल्कुल रफली ही चॉप किया था क्योंकि सौते होने पर सारा कुछ एक साथ ग्राइंड हो जाएगा। एंड मसाले में बस नमक और मिर्ची पाउडर ही डाली थी। ऑनेस्टली बहुत ही कम टाइम लगा और मेरा दूसरा काम भी तब तक हो गया था। एंड जब तक ये सौते हो रहा है मैं तब तक पराठे के लिए आटा लगा लेती हूँ। तो पहले मैंने आटा पे थोड़ा नमक और तेल डालकर मस्त सा डो तैयार कर ली। ऑन द अदर हैंड प्याज टमाटर पूरा सौते होने पर मैंने उस पर ऐड कर दिया रोस्टेड काजू एंड सारा एक साथ ग्राइंड कर लिया। मेरा लंच हो गया। लंच पे मैंने एक ही पराठा खाया और बटर पनीर। बटर पनीर बहुत ही टेस्टी बना था बट मैं पराठा 2 खा नहीं पाई, बनाई थी मैंने अपने लिए बट जैसे कि मैंने कहा था मेरा ब्रेकफास्ट काफी हैवी था, मूंग दाल का डोसा वॉज हैवी, सो मैं लंच पे इतना खा नहीं पाई बट स्टिल आई हैड 1 पराठा एंड बटर पनीर एंड इट वॉज सो सेटिस्फाइंग। एनी वेज आई एम फीलिंग हैप्पी एंड प्रोडक्टिव एट द सेम टाइम बिकॉज सो फार द चैलेंज इज गोइंग गुड। सुबह को एज पर द रिक्वेस्ट मैंने मूंग दाल का डोसा खाया विद चटनी एंड लंच पे बटर पनीर एंड पराठा। और अब डिनर को काफी टाइम, अभी कुछ 3 ऐसा बज रहा है तो बहुत टाइम है उसके लिए सोच लेंगे।
बट या इट्स गोइंग गुड एंड आई एम लविंग इट. एंड इट्स टाइम फॉर लास्ट मील ऑफ द डे. वैसे लंच के बाद मैंने खास कुछ किया नहीं, टीवी देख रही थी और वीडियो भी एडिट किया, वो सब करते करते शाम हो गया, फिर बारिश भी आया, आईपीएल देखा, मैगी खाया एंड यार दैट्स इट. और अब बज रहा है रात का 9, सो मुझे बनाना है डिनर. वैसे डिनर के लिए रिक्वेस्ट है चिकन रैप विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, सो अब बनाते हैं चिकन रैप. चिकन रैप मैं पहले चिकन पकाऊंगी, तो पहले मैंने अदरक को थोड़ा सौते कर लिया, फिर उस पर ऐड की चिकन और थोड़ा बहुत मसाले जैसे कि नमक, पेपर, पेपरिका, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ा नींबू का रस, वैसे कुछ मैंडेटरी नहीं है, जो भी है वही डाल दो एंड लेट इट कुक. 70% कुक मैंने थोड़ा मिर्ची पाउडर ऐड की और साथ में जीरा धनिया एंड कुक इट प्रॉपरली. With this we come to an end. Dinner ho gaya and the chicken wrap was so good. In fact, all the meals that I tried were so good and satisfying at the same time. और काफी easy तरीके से मैं बनाने की कोशिश करी हूँ. अगर आपको कोई detailed recipe चाहिए of the meals that I prepared today, let me know in the comment section. और next shots में मैं वही prepare करूँगी. And I must say it was a productive day. काफी अच्छा खाना खाया and दिन बहुत ही अच्छा गया. And yeah, with that, I'll see you soon in my next vlog. Till then, take care. Bye bye.